बिना ऑयल के ये मसाला कोन खाने में बहुत ही टैंगी होते हैं। आप इसे स्टार्टर की तरह या स्नैक की तरह भी सर्व कर सकते हैं। सभी को नमस्ते, वेलकम टू गुड रेसिपीज बाय शिवानी। तो मसाला कोन बनाने के लिए मैंने स्वीट कॉर्न लिए हैं, इनको पानी में उबालकर ड्रेन कर लेंगे। इसके बाद इनको एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे। अब उबले हुए कॉर्न में हम टमाटर, शिमला मिर्च, कद्दूकस की हुई गाजर, कद्दूकस किया हुआ पनीर, कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ हरा धनिया, चाट मसाला पाउडर, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, एक नींबू का रस, इन सभी चीजों को मिला देंगे और मिक्सचर को एक बार हम मिक्स कर लेंगे। प्याज इस रेसिपी में पूरी तरह से ऑप्शनल है, जो नहीं खाते वो स्किप कर सकते हैं। अब स्वाद के हिसाब से हम नमक भी इसमें मिला लेंगे और हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। कोर्स को रखने के लिए इस तरह के छोटे गिलास अगर आपके पास हैं तो ले सकते हैं। अब हम कोन बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए एक तवे को गर्म करेंगे। कोन बनाने के लिए मैंने उड़द दाल के पापड़ लिए हैं। पापड़ को बिल्कुल बीचों बीच से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। पापड़ लगभग दो इक्वल पार्ट में टूट गया है और तवा भी गर्म हो गया है। अब इस पापड़ को हमको इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके कपड़े से प्रेस करते हुए रोस्ट करना है। कपड़े से दबाते हुए इसे रोस्ट करेंगे जिससे कि पापड़ बिल्कुल स्ट्रेट शेप में रहे, बिल्कुल सीधा रहे। दूसरी साइड भी पलट कर इसको रोस्ट कर लेंगे। आप गरम ही इन पापड़ को उठाएंगे, ये बहुत ज़्यादा गरम नहीं होते, आप इसे हाथ से टच कर सकते हैं और इस तरह से कोन शेप में इसको फोल्ड कर देंगे। अब 20 सेकेंड तक इसी तरह से पापड़ को होल्ड करके रखना है जिससे कि पापड़ जब ठंडा हो तो इसी शेप में ठंडा हो जाए। और 20 सेकेंड के बाद ये देखिए पापड़ ठंडा हो चुका है और इसने कोन का शेप ले लिया है। अब दूसरे पापड़ को भी हम इसी तरह से शेप देंगे, लेकिन ये पापड़ तो टूट गया। इसका रीज़न ये है कि इसे गैस पर ज़्यादा देर के लिए छोड़ दिया था और इसकी ओवरहीटिंग हो गई थी। तो अब हम क्या करेंगे, एक ही एक पापड़ एक बार में रोस्ट करेंगे। ये देखिए मैंने दूसरा पापड़ भी रोस्ट कर लिया और इसे भी हम कोन का शेप दे देंगे इस तरह से। और दो कोन बनकर रेडी है। अब जो हमने पहले गिलास लिए थे उसमें इन कोन को सेट कर देंगे और जो शुरू में फिलिंग तैयार करी थी वो फिलिंग हम इन दोनों कोन्स में भर देंगे। और मसाला कोन सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे चाहे तो स्टार्टर की तरह सर्व कर सकते हैं और चाहे तो स्नैक की तरह भी खा सकते हैं। खाने में ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और जिनको ऑयल से प्रॉब्लम है उनके लिए तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है। इसमें ऑयल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।